हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर लेनोर कुरैशी और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको हेल्थ रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपका सवाल जो भी है वो आप पूछ सकते हैं हमारे ग्रुप में, और सवाल पूछ कर आप ग्रुप लेफ्ट भी कर सकते हैं। जब चाहे ज्वाइन करो, जब चाहे लेफ्ट करो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि बाबा लाइव इंट्राक्यात कैसे लगाए और कैसे आपको उसको फिक्स करना है, ये पूरी जानकारी बताऊँगा। और इंट्राक्यात का वीडियो लाइव दिखाने के बाद मैं एक आपको इंसिडेंट, एक बहुत ही अच्छा जोक भी मेरे इंटर्नशिप के पीरियड का बताऊँगा। तो वापस ज़रूर आइए फ्रेंड्स। कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ दो नर्सिंग स्टाफ भी हैं साथ में। तो हम देख रहे हैं, पहले तो हमने आप ऊपर देखा है कि सब में ऊपर जहाँ पर हमें इंट्राकैथ लगाना है उसके ऊपर हमें टॉर्निकेट बांधना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वहाँ पे टॉर्निकेट बंधा हुआ है। बाद में अभी स्पिरिट हमने लगाया, अभी हम वेन पालपिट कर रहे हैं। मेरे साहब का साथ में जो एक नर्सिंग स्टाफ है, मैं उसको बता रहा हूँ कि वेन कैसे पालपिट करना है और किधर किधर हमें वेन देख रहे हैं, ये मैं उसको वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, इंट्राकैथ लगाना एक बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है अगर आपको समझ में आए तो। इसमें एक वेन यहाँ पर दिख रही है तो मैं वो स्टाफ को बता रहा हूँ, और ये दूसरी एक वेन इसमें दिख रही है। ये जो मैंने अभी दूसरी जो वेन बताया इसको सिफेलिक वेन कहते हैं, और ये बॉडी की सब में ये जो वेन है सिफेलिक वेन, ये अच्छी वेन, बड़ी अच्छी बड़ी वेन होती है। क्यूबाइटल वेन, क्यूबाइटल फोसा में ये वेन होती है और बहुत ही बढ़िया वेन है। दूसरी उसके बाजू की वेन स्टाफ पालपेट करने की कोशिश कर रहा है, पर अगर आप वीडियो में देखेंगे तो ये वेन जो है ये ब्लॉक हो चुकी है फ्रेंड्स। वेन ब्लॉक क्यों होती है, कभी कभी हम वहाँ पे आईवी फ्लूइड देते हैं और वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने की वजह से वो जो है वेन ब्लॉक होती है फ्रेंड्स। कभी कभी वहाँ पे जो है वो वेन आउट हो जाती है। तो अभी हम जो दोस्तों हमारी जो मेन वेन है वो है सिफेलिक वेन, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं और जो मैं अभी बता रहा हूँ वीडियो में। तो इसमें जो है हम इसको पालपेट कर रहे हैं अभी, और सिफेलिक वेन जो है बड़ी वेन रहने की वजह से बहुत उम्दा दिखती भी है। ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये वेन कितनी प्रोमिनेंट दिख रही है, उसको हम स्पिरिट भी लगाए थे उसकी वजह से भी प्रोमिनेंट दिख रही है। तो ये जब भी आप इंट्राकैथ लगाएंगे, तो आप जब भी इंट्राकैथ हाथ में लेंगे तो इसको जो है आपको 45 डिग्री के एंगल में ये इंट्राकैथ को आपको पकड़ना है फ्रेंड्स। मैं बताऊँगा आपको उसका भी। ये स्टाफ के हाथ में हमने इंट्राकैथ दिया है, पर स्टाफ जो है वो लगाने के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट दिख रहा है, कि वो बता रहा है कि मुझे सर आप ही लगा दीजिए कि मुझे ये वेन प्रोमिनेंट नहीं दिख रही है। हालांकि वेन बहुत प्रोमिनेंट है फ्रेंड्स। तो मैंने जिस तरीके से मेरे हाथ में अभी इंट्राकैथ पकड़ा है इसको, इस कंडीशन में हमें इंट्राकैथ हाथ में पकड़ना होता है फ्रेंड्स। आप बराबर से देख लीजिए इसको। अभी मैं वेन पल्पेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वेन तो अच्छी दिख रही है, पर यहाँ पे स्पिरिट ज़्यादा नहीं लगने की वजह से जो है ये अभी हमें उतनी प्रोमिनेंट नहीं आई, क्योंकि स्पिरिट जो है वो ऑटोमेटिक जो है ड्राई अप होकर वहाँ पे जो है उड़ जाता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल मिला होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से पकड़ कर हमें 45 डिग्री के एंगल में जाना होता है फ्रेंड्स। तो अभी मेरी कोशिश है कि और एक बार स्पिरिट लगाएं और उसको जो है और प्रोमिनेंट करें, क्योंकि हमें वन टेक में ये इंट्राकैथ लगाना है फ्रेंड्स। तो सिफेलिक वेन हालांकि मोटी बड़ी वेन है तो इसमें आसानी से लगेगा 45 डिग्री के एंगल में। मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा ही इसको अंदर डालना है क्योंकि इसके अंदर जो है निडल होती है, देखिए ब्लड आ चुका है। तो पीछे की निडल थोड़ा सा बाहर काटना है और फिर बाद में से जो ट्यूब है इंट्राकैथ का उसको आगे ढकलना है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आसानी से इंट्राकैथ लग चुका है, बहुत ही सिंपल था, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि सिफेलिक वेन बड़ी वेन रहती है, तो सबसे पहले हमें अब ये काम करना है। इंट्राकैथ वेन्स में डालने के बाद हमें जो टॉर्निकेट हमने बांधा है उसको हमें निकालना है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है, आप टॉर्निकेट वहीं पे भूल जाते हैं और उसमें जो है आईवी कनेक्ट कर देते हैं, तो आईवी जो स्टार्ट करने के बाद क्या होता है वो वेन जो है थ्रोम्बोफ्लेब हो जाती है, वेन आउट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड जमा होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए पहले वहाँ का जो है जो भी टॉर्निकेट है उसको निकालना चाहिए। फिर अभी देख रहे हैं आप, हम इसको फिक्स कर रहे हैं प्रॉपरली, इसको जो है ईजी फिक्स लगाना चाहिए इस तरीके से। पहले ऊपर से लगाना चाहिए बड़ा वाला गोल राउंड यू टाइप, और फिर बाद में जो है जो एल टाइप है उसको दोनों के अंदर में डाल देना चाहिए कि वो इंट्राकैथ जो है फिक्स बैठ जाए। और इंट्राकैथ को आप देख रहे हैं हमने थ्री वे लगाया है, जो कि लॉन्ग थ्री वे है,
फिर उसको हमने आईवी सेट कनेक्ट किया है फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो है आईवी सेट जो है आईवी के बॉटल को कनेक्ट किया जाता है जिससे हम आईवी फ्लूइड देते हैं। तो दोस्तों मैंने एक हमारे इंटर्नशिप के पीरियड में एक मेरे दोस्त थे जो कि वो हाथ के ऊपर ऐसे इंट्राकैथ लगा रहे थे। तो हम इंट्राकैथ बेसिकली वेन्स के डायरेक्शन में लगाते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, बट उन्होंने इंट्राकैथ ऐसा लगाया था अवे फ्रॉम द हार्ट अपोजिट टू हार्ट। तो वो देखकर बहुत हंसी आई थी हमको फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। बहुत ही बढ़िया वो इंसिडेंट था। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आपसे फिर से मिलूंगा एक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।